করতে চাই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। প্রকৃতির ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ ডাটা গুঁড়ো মশলা, রান্নার নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলুদ লঙ্কা জিরে ধনেতে আছে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা। ইউটিউব চ্যানেল ডাটার রান্নাঘরে দেখুন সেরা সেরা লড়াই। যোগাযোগ করুন 8481022368। নমস্কার দোস্তো, মেরা নাম হ্যায় সবিতা পোদ্দার আর মে বাহুইহাটি সে আয়ি হুঁ। আজ মে ডাটার রান্নাঘর মে আপকো বানানা সিখাওঙ্গি তিল কে লড্ডু। আজ হাম আপকো সিখায়েঙ্গে কি তিল কে লড্ডু ক্যাসে বানায়ে জাতে হ্যায়। তো সবসে পহলে হাম জান লেতে হ্যায় कि आज सामग्री इसमें क्या क्या लगती है। ये है तिल जो हमने हाफ किलो लिए हैं। इनको हमने साबुत तिल को सफ़ेद तिलों को भून कर पीस लिया है और ये इस तरह से हमें पीसने हैं। और आधे किलो तिल के लिए हमको एक किलो खोआ चाहिए जो कि हमने हल्का भून लिया है और ये इस तरह से गुलाबी होने तक हमने हल्का भूना है। और आधे किलो तिल के लिए आधा किलो ही हमें पिसी हुई चीनी चाहिए। चीनी हम जो पिसी हुई बाजार से लाएंगे खरीद के घर में पीसेंगे, उसको हमें अच्छे से छान लेनी है। बिल्कुल दरदरी नहीं रहनी है, ये ऐसे एकदम महीन हो जानी है। और आधे किलो बूरा, इसको बाजार में बूरा नाम से भी मिलता है, हमने बूरा लिया है। यदि आपको बूरा ना मिले तो आप चीनी घर में पीस सकते हैं और एकदम ऐसी महीन पीसेंगे। इसके बाद हमने ली है थोड़ी सी किशमिश 50 ग्राम करीब और हमने इलायची पाउडर। बस इसके बाद अब हमको इसको मिक्स कर लेना है। तो आइए अब हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा बूरा, तिल, खोआ, इलायची और किशमिश सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। हमने बिल्कुल इसको ऐसे अच्छे से मिक्स किया है। अब हम बस इसका लड्डू बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से। थोड़ा लड्डू बनाने में समय लगेगा। लड्डू बनाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि तिल है, खिल जाता है बार बार। ये दोस्तों, इस तरह से हमारे ये लड्डू तैयार हैं खाने के लिए। ये तिल के लड्डू जो कि हमने खोए से बनाए हैं, भूरे से बनाए हैं, आप इसे खुद बनाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। आप भी खाइए, इसका एंजॉय कीजिए। नमस्कार। সুস্থ থাকতে চাই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা, প্রকৃতির ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ ডাটা গুঁড়ো মশলা, রান্নার নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলুদ লঙ্কা জিরে ধনেতে আছে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা। ইউটিউব চ্যানেল ডাটার রান্নাঘরে দেখুন সেরা সেরা লড়াই। যোগাযোগ করুন 8481022368।